उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के निजामुद्दीनपुरा मोहल्ले के ब्रह्मस्थान के प्रांगण में रविंद्र महाराज द्वारा श्रीमद् भगवद गीता पाठ एवं भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल के जीवन लीला के बारे लोगों को बताया गया। इस श्रीमद् भगवद गीता पाठ के आयोजन में लोग भगवान के बारे में सुन काफी आनंदित हुए। वहीं रविंद्र महाराज द्वारा ब्रज की फूलों की होली खेला गया। ब्रज की होली खेल रविंद्र महाराज की कथा सुनने आए लोग काफी आनंदित हो उठे। ये आज श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण था तो सभी हम लोग आए थे और बहुत ही अच्छे, बहुत ही मनमोहक, बहुत ही हृदय को छूने वाली कथा गुरु जी ने कहा। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत भक्तिमय वातावरण हो गया। देखिए आप, छोटे छोटे बच्चे भी मेरे साथ बैठे हुए थे, वो भी बहुत मगन होके सब कुछ देख रहे थे और कथा को बहुत ही ध्यान से सुन भी रहे थे। तो सभी में भाव है, बहुत भक्ति का भाव, ऐसा नहीं है कि इस वक्त कम हो गया है, लोगों में उतनी ही है जितनी पहले थी और आगे भी लोगों का बहुत भक्ति वातावरण यहाँ पे देखने को मिला। सभी ये भागवत कथा का आयोजन किया गया था और इस कथा का सीख यही है कि जो विश्वास करे धर्म पे और धर्म को आगे बढ़ाए, क्योंकि भगवान विश्वास में ही हैं और भगवान को भी भक्तों द्वारा ही जाना जाता है। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान भी नहीं होंगे, भगवान को कोई जानेगा ही नहीं। इसलिए धर्म का, अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार अपने इस भागवत कथा के द्वारा स्वामी रविंद्र जी महाराज के द्वारा किया गया और इस कथा से यही सीख मिली है कि हमें अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए, ठाकुर जी पे विश्वास करना चाहिए, धर्म पे विश्वास करना चाहिए और हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए। बस सीख यही मिलती है कि हम भगवान के हमेशा सेवा करें, आस्था और विश्वास करें। लगातार कई दिनों से कार्यक्रम किया जा रहा है। 7 दिनों से ये लगातार कथा चल रही थी और 7 दिन में सब भक्तगण बहुत आनंदित हुए, बहुत आनंद भी लिए, सब भक्तगण बहुत प्रसन्न हैं और भगवान की कृपा सब भक्तों पे बनी रहे। क्या क्या जानकारी दी गई थी आपको? भाई धर्म क्या है, भगवान क्या है, भगवान को कैसे जानना चाहिए, भाई कृष्ण का विवाह, कृष्ण का जन्मोत्सव, हमारे भगवान कृष्ण कैसे कैसे बाल लीलाएँ किए, कैसे कैसे धर्म की स्थापना किए। भक्त नाम पर्चा बताइए। संजय कुमार पांडे। ये कार्यक्रम विगत 7 दिनों से चल रहा है और सभी भक्तगण इसके आयोजक रहे हैं, सभी भक्तों की कथा रही है। देखिए, सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत गीता का बहुत महत्व है। ये व्यक्ति अपने आपाधापी की जिंदगी में भगवान से एक तरह से दूरी होती जा रही है लोगों की। इस कथा के आयोजन का यही उद्देश्य था कि लोग अधिक से अधिक भगवान के श्री चरणों में विश्वास रखें, अपना सनातन धर्म के प्रति जागरूकता हो लोगों के अंदर और जन कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत ही भागदौड़ का ये समय चल रहा है। इस भागदौड़ की दुनिया में यही एक आस्था भागवत कथा है जिसके द्वारा सभी जनों में शांति का प्रदान होगा और इससे सबका कल्याण होगा।